हेलो फ्रेंड्स, क्या आप भी अपने मोबाइल में विंडोज 8, 9, 10 या कोई सा भी विंडोज इंस्टॉल करना चाहते हो जिस तरह हमने अपने मोबाइल में विंडोज एक्सपी इंस्टॉल किया है? तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके लिए आपको किसी प्रोफाइल को डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं, पहले प्रोफाइल डाउनलोड करनी पड़ती थी और उसके बाद उसको IMG में करना पड़ता था और उसके बाद उसको सेव करना था। लेकिन वो प्रॉब्लम अब नहीं है। जिस ऐप के बारे में हम आपको बताएंगे उसमें आपको किसी चीज़ को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं, डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें और लास्ट तक देखें ताकि कोई स्टेप आपसे छूट ना जाए। ओके फ्रेंड्स, तो हम शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो फ्रेंड्स, उसके लिए आपको जाना होगा अपने प्ले स्टोर में। तो हम करते हैं प्ले स्टोर को ओपन, और प्ले स्टोर को ओपन करके ऊपर आपने सर्च करना है JPCSIM PC विंडोज़ सेमुलेटर। तो आपने इस ऐप को इंस्टॉल करना है। तो मैंने इसको पहले से इंस्टॉल किया हुआ, तो मैं यहाँ से इसको ओपन कर लेता हूँ। 4.1 की राइटिंग है और 1 मिलियन लोगों ने इसको इंस्टॉल किया हुआ है। तो हम यहाँ से इसको ओपन कर लेते हैं। जैसे ही हम इसको ओपन करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरह ये रन करना शुरू कर देगी। ये ऊपर लिख कर आ गया कि टू कंटिन्यू टच एनीवेयर, यानी कि कहीं भी इसको टच करो स्क्रीन को। तो हम यहाँ टच करते हैं स्क्रीन को। जैसे टच किया तो हमारे सामने कुछ इस तरह से आएगा। ये देख रहे हो आप, यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा विंडोज़ XP लिखा हुआ है। आप इस राइट साइड पर क्लिक करते हो तो यहाँ आ जाता है विंडोज़ विस्टा। तो आपको यहाँ सभी विंडोज़ मिल जाती हैं। आप जो भी विंडोज़ को ओपन करने चाहते हो उस विंडोज़ को लगा कर यहाँ, और उसके बाद ये नीचे स्टार्ट लिखा हुआ है, आप उस पर क्लिक करना है। तो मैं यहाँ से कोई विंडोज़ को ओपन कर लेता हूँ। जैसे फ़र्ज़ करें मैं यहाँ से विंडोज़ XP ही कर लेता हूँ। उसके लिए आपने यहाँ स्टार्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही हमने स्टार्ट पर क्लिक किया तो इस तरह से हमारे सामने कुछ आएगा, और ये लास्ट में नीचे लिखा है कि टच एनीवेयर टू कंटिन्यू। तो हम फिर टच करते हैं स्क्रीन पर। जैसे टच किया तो कुछ आगे बढ़ा, फिर टच करना है। तो सॉरी फ्रेंड्स, अभी ऐड आ गया। चलो फ्रेंड्स, ये अपने मोबाइल में रन कर रही है, अपने मोबाइल में ये विंडोज़ ओपन हो रहा है। तो आप इस तरह अपने मोबाइल में ये देख लो फ्रेंड्स कि विंडोज़ XP रन कर रहा है जैसे PC में रन करता है। तो इसी तरह आप भी अपने मोबाइल में इसको रन कर सकते हो बहुत ही आसान से। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें ताकि कोई स्टेप छूट ना जाए। लो फ्रेंड्स, हमारा विंडोज़ ओपन हो गया। जैसे कि आप देख रहे हो, आप एक बार टच करोगे स्क्रीन पर तो इस राइट साइड पर नीचे आपको यहाँ दिखाई दे रहे होंगे 2-3 निशान। एक है कीबोर्ड और एक है माउस। तो मैं माउस पर क्लिक करता हूँ तो ये लो फ्रेंड्स, यहाँ ये तीर सा घूम रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है माउस का बना हुआ नक्शा। यहाँ आप टच करोगे अंगली के साथ, इसको घुमाओगे तो ये चलेगा। इसके नीचे ये है बटन और ये भी है बटन, ये वाला। ये दोनों बटन हैं जिसके साथ आप क्लिक कर सकते हो, अपने माउस को काम कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ स्टार्ट पर ले आता हूँ और उसके बाद यहाँ क्लिक कर देता हूँ। जैसे क्लिक किया तो ये लो ओपन हो गया। हम यहाँ से कोई चीज़ भी यहाँ से ओपन कर सकते हैं, जिसको करना चाहें कर सकते हैं। तो मैं वीडियो को लंबा नहीं करता हूँ, शॉर्टकट आपको बता देता हूँ कि आपको जो ये दिखाई दे रहा है ये है माउस, आप इसे कीबोर्ड, आप इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो कीबोर्ड ओपन हो जाता है। मैंने जैसे ही क्लिक किया उस पर, ये लो फ्रेंड्स, हमारा कीबोर्ड ओपन हो गया। यहाँ मैं क्लिक करके इसको हटा देता हूँ। और उसके अलावा आपको यहाँ क्लिक करोगे तो आपको मिल जाता है कि जहाँ आप टच करोगे वहाँ आपका ये तीर का निशान जाएगा, जहाँ आप टच करोगे वहाँ तीर का निशान जाएगा। और अगर आप ये जो गोलदार नीचे दिखाई दे रहा है ये वाला, इस पर टच करते हो तो ये तीर का ख़त्म हो जाएगा क्लिक करना। उसके बाद आप यहाँ क्लिक करके माउस को इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसके बाद आपने इसको ऑफ़ किस तरह करना है, आप यहाँ स्टार्ट पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हो तो फिर आपको ये देख लो ये लिखा हुआ है, ये वाला ऑफ करने का, आपने इस पर करके इसको क्लिक कर देना। तो जैसे ही क्लिक करते हो तो आपका विंडोज़ इस तरह ऑफ हो जाएगा। उम्मीद है फ्रेंड्स कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, और ये बहुत ही आसान तरीका है। पहले होता था कि बहुत सी करनी पड़ती थी फ़ाइल डाउनलोड विंडोज़ 8 की, 7 की, 9 की, 10 की, लेकिन अब आपको कुछ नहीं करने की ज़रूरत, इसमें सब कुछ है। तो ओके फ्रेंड्स, आप इस तरह आप अपने मोबाइल में विंडोज़ 7, 8, 9, 10 किसी को भी इंस्टॉल कर सकते हो आसानी से। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे
लाइक का बटन है उसको ज़रूर प्रेस करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो अब तक पहुँचती रहे। ओके फ्रेंड्स, हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।